सिरमौर जिला में एक बड़ा बस निजी हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक महादेव कोच की यह बस पाउंटा साहिब से गत्ताधार रूट पर जा रही थी। इस दौरान बोहराड़ के नज़दीक यह हादसा हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक बस का पट्टा टूट जाने के कारण चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया। जिस जगह पर बस लटकी वहां से नीचे लगभग 300 मीटर गहरी खाई है। जानकारों के मुताबिक जैसे ही बस कफोटा से 10 किलोमीटर आगे उतराई में पहुंची, वैसे ही इसका पट्टा टूट गया। यात्रियों के मुताबिक चालक ने सूझबूझ व साहस से ब्रेक लगा दी। बस में बैठी सवारियों की सांसें अटक गईं क्योंकि बस से नीचे उतरना भी खतरनाक था। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से बस के टायर के नीचे ओट लगाकर चालक को ड्राइविंग सीट से नीचे उतारा गया। पाउंटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि चालक और परिचालक समेत तमाम सवारियां सुरक्षित है। उन्होंने माना कि बस अगर खाई में गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था।